हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो ये जो है ना, इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले ना हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके सिंबल्स क्या होते हैं। ये वाली जो टेबल 14.1 है, ये सिंबल्स आपको याद करने हैं। फिर किस तरीके से ये सिंबल्स को जोड़ा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिस जगह पर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने देख ली थी कि जो हीटर होता है उसमें हीट कैसे जनरेट होती है, क्योंकि उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें कॉइल क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। बल्ब में फिलामेंट होता है जो कि गर्म करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि बल्ब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, इसलिए अब हम लोग ट्यूबलाइट या फिर LED लाइट्स वगैरह CFLs का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने ये भी देखा था कि फ्यूज़ जो है, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है और वो करंट को काट देता है ताकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स डैमेज ना हो। अब एक्टिविटी 14.1 से देखते हैं। मेक अ सर्किट, सर्किट बनाइए वही, जैसे कि आप बैटरी लगा दीजिए उसमें, फिर ये जो है ये वायर्स हैं, फिर ऐसे करके बल्ब जला दीजिए, इस तरह से आप सर्किट बना सकते हैं। हाउ एवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल, तो आपको ऐसे करके 4 सेल की बैटरी बनानी है, फिर ऐसे करके फ्यूज़ बनाने हैं और फिर बल्ब ग्लो करना है, इस तरीके से आप लोग को सर्किट बनाना है। ऑल्सो प्लेस इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर, टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, द स्टील वूल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज़ अवेलेबल इन अ ग्रोसरी शॉप्स। स्टील वूल मतलब पतली पतली सी स्टील सी होती है, उसको आपको वायर की जगह यहाँ पे यूज़ करना है। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर कोई पंखा है रूम में, उनको आपको बंद कर देना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, तो करंट को पास करिए सर्किट में से जो आपने सर्किट बनाया है, और ऑब्जर्व द स्ट्रेंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। तो जब आप करंट को पास कर रहे हैं तो जो स्टील वूल मतलब स्टील का पतला सा तार है, वो कैसा हो, क्या हो रहा है उसमें, क्या स्टील वूल जो है वो ब्रेक हो गया है या फिर मेल्ट हो गया है। तो देखिए क्या है, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। तो कुछ वायर ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट वहाँ से पास हो गया तो वो मेल्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। इस तरीके के दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आपने जो भी सर्किट बनाया था एक्टिविटी में, उसमें जो ये वाला पतला सा वायर लगाया था ना, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा, मतलब वो सर्किट में से लाइट को काट देगा ताकि लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बाकी के इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होते हैं ना, उसमें इसी तरीके के मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट सही से ना पास हो रहा हो या एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इन ऑल द बिल्डिंग्स फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो सारी की सारी बिल्डिंग्स में जो है ना वो फ्यूज़ इंसर्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट, तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर उस सर्किट में करंट फ्लो होता है ना तो दिक्कत आ जाती है। इफ़ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट, अगर सेफ लिमिट को, जो सेफ वाली लिमिट होती है ना, उसको करंट एक्सीड कर देता है, मतलब ज़्यादा करंट चला जाता है वायर में, वायर में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर। तो वायर में अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है ना, तो उससे क्या हो सकती है, आग भी लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट, और अगर अच्छा फ्यूज़ लगा हुआ होगा ना तो बीच में से वो इस करंट के फ्लो को काट देगा और आग वगैरह लगने से बच जाएगी। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज़ क्या होता है, अब आपसे पूछा गया है कि फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो फ्यूज़ जो घरों में लगता है ना, वो एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट की ब्रेक होने की वजह से या फिर जैसे फायर वगैरह लगने से फ्यूज़ बचा लेता है। फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग तरीके के फ्यूज़ का अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आर हाउस, फ्यूज़ जो 14.15 में है वो इलेक्ट्रिक आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो देखिए यहाँ पर फिगर 16 है, यहाँ पर ये देखिए 14 ये वाला जो है, ये इस तरीके का ये जो फ्यूज़ है ना, ये वाला फ्यूज़ घरों में इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको इलेक्ट्रिक अप्लायंस बोलते हैं, उसमें इस तरीके का फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉशन में बोला गया है, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन, खुद से ही इस फ्यूज़ को नहीं देखने लगना है जो कि सर्किट में लगा हुआ हो।
अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में हमें बताया गया है, वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स. तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट, एक्सेसिव करंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो होने लगता है, वो क्या होता है कि दो वायर अगर आपस में जुड़ जाए ना तो भी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है. दिस मे हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर. तो आपने देखा होगा हमेशा अंदर की तरफ वायर होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, प्लास्टिक की लेयर, कोई येल्लो कलर की, कोई ग्रीन कलर की या रेड कलर की लेयर लगी हुई होती है ना प्लास्टिक की, वो क्या होता है, वो इंसुलेशन होता है ताकि जो अंदर का वायर है ना वो बाहर के कॉन्टैक्ट में ना आए ज़्यादा. अगर बाहर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है या फिर किसी दूसरे वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है. तो क्या होता है, उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है ना वो वियर एंड टियर. वियर एंड टियर का मतलब होता है समय के साथ साथ चीज़ ख़राब होने लगती है ना, उखड़ने लगती है, उसकी प्लास्टिक उखड़ जाती होगी, मतलब उखड़ जाएगा और दो जो वो हैं वायर्स वो आपस में अगर भिड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. अनदर रीज़न जो अगर बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करे कर सकता है, वो ये है कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट. तो एक सॉकेट है, आपने देखा होगा एक सॉकेट होता है उसमें थ्री पिन लगा देते हैं, तीन तीन चीज़ें एक ही सॉकेट से चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं क्या ओवरलोड की वजह से वो जो है सर्किट में दिक्कत आ जाती है. कई बार फ्यूज़ उड़ जाता है तो ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जो घर में पूरा होता है ना जहाँ से सारे के सारे कनेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो फट जाता है और उसमें आग वगैरह भी लग जाती है. तो इसलिए फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, अगर वो लगा होता है तो ये फायर वगैरह के इंस्टेंसेस कम हो जाते हैं. अब देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बींग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज़. तो आजकल फ्यूज़ के जगह ये सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है. दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेव लिमिट. तो ये जो स्विचेज होते हैं ना, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB लगती है आजकल फ्यूज़ से ज़्यादा, MCB का इस्तेमाल करने लगे हैं कि MCB गिर गई है. आपने शायद घर में कभी सुना हो, MCB तब गिरती है जब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें से सर्किट में से पास होने लगता है ना, तो MCB गिर जाती है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक देती है. इसकी वजह से क्या होता है, फायर वगैरह जो आग लगने का खतरा कम हो जाता है या फिर ख़त्म ही हो जाता है. दी स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट. जब करंट सर्किट में बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है तो इसकी MCB गिर जाती है. यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कम्प्लीट. तो आप MCB गिर गई ऐसे नीचे है, आप इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे तो सर्किट फिर से टर्न ऑन हो जाएगा. आजकल ज़्यादातर MCB घरों में लगाई जाती है. क्वेश्चन ये है कि भाई जो ISI मार्क वाले हैं उनको ही आपको लेना चाहिए. और नेवर यूज़ एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़. फ्यूज़ की जगह कोई वायर या स्ट्रिप ऑफ मेटल हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है. अब आगे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट था कि हीट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होता है. अब इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होता है वहाँ पर वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है. तो एक्टिविटी 14.5, टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. तो मैच बॉक्स होती है माचिस का डब्बा, उसमें से आप लोग क्या करिए, माचिस के डब्बे में से एक होती है ना जिसमें माचिस रखी होती है उसको निकाल लीजिए. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे. तो जो आपने कार्डबोर्ड जो गत्ता सा माचिस होती है ना एक उसके ऊपर होता है खोखला होता है उसका एक उसके अंदर से जिसमें माचिस रखी होती है उसको निकाल लीजिए और इसके चारों तरफ क्या करिए वायर को लगा दीजिए. प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट. और उसके अंदर कंपास की एक नीडल भी आप लोगों को लगानी है. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच. तो 14.17 जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ये वाली फिगर जो है इसमें देखिए मैच बॉक्स है, इसके ऊपर आपने वायर कनेक्ट कर दिया है और फिर उसके बाद क्या करना है आपको. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल. फिर ये जो ये वायर थे वायर के यहाँ 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 फ्री एंड्स होंगे ना जो बांधने के बाद, तो यहाँ पे आप क्या करिए ये लगा दीजिए सेल से इसको, ये वाले जो वायर से इसको ये देखिए सेल से आपको कनेक्ट कर देना है. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच. तो स्विच होगा और इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से आपको कनेक्ट कर देना है जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है ना, इस तरीके से आपको कनेक्शन बना देना है. नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग. अभी जो कंपास की नीडल आप लोगों ने इसके अंदर रखी हुई है मैच बॉक्स के अंदर, अब जब करंट फ्लो करवा दिया आपने तब आपको देखना है कि कंपास की जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नोट करनी है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल. अब जो कंपास नीडल आप लोगों ने रखी थी ना यहाँ पर, ये जो कंपास नीडल रखी थी एक बार मैग्नेट को इसके पास आप लोग लेके आइए. मैग्नेट होती है ना इसे खेलते रहते हैं, बार मैग्नेट को इसके पास लेके आइए, ऑब्जर्व फिर करिए क्या क्या होता है. नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली
मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन. तो पहले आपको क्या करना है, ये सेटअप बनाना है. ये देखिए ये ऑफ में है. ऑफ करने ऑफ के टाइम पे ही इस कंपास की नीडल के पास आप लोगों को क्या लेके आना है, मैग्नेट लेकर के आना है. फिर आप देखेंगे कि कंपास की नीडल हिलने लगेगी क्योंकि मैग्नेट की वजह से उसकी तरफ वो इशारा करने लगती है. फिर ऑफ है, आप क्या करिए ऑन कर दीजिए. ऑन करने का मतलब है अभी खुला हुआ है ना, पूरा का पूरा ऐसे करके जुड़ जाएगा. फिर देखें, फिर आपको नोटिस करना है कि कंपास की जो नीडल है वो कैसे मूव कर रही है. क्या आपने ऑब्जर्व करा, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. हाँ डिफ्लेक्ट करेगी वो. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन. फिर आपने जो ऐसे करके उठाया हुआ स्विच था उसको यहाँ ऐसे रख दिया था, फिर उसको दोबारा से ओपन कर दीजिए. डज द कंपास नीडल कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन. यस. तो आप जब करंट को ऑफ कर देंगे तो कंपास की नीडल फिर से अपनी पहले वाली पोजिशन पे आ जाएगी. ये एक्सपेरिमेंट कई बार करिए और देखिए क्या होता है. वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट. जो कंपास होता है ना उसके अंदर जो नीडल होती है सुई टाइप की होती है वो एक छोटी सी मैग्नेट होती है विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट. तो जो कंपास की नीडल होती है ना वो हमेशा ऐसे करके होती है नॉर्थ साइड डाउन. याद कर लीजिए ये चीज़. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंपास की नीडल कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करती है. वी कैन ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट. हम लोग मैग्नेट को उसके पास ले जाएंगे, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड. तो जब मैग्नेट को नीडल के पास ले जाएंगे ना तो वो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी. वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर. फिर हमने देखा कि कंपास की नीडल तब भी डिफ्लेक्ट करती है जब वायर से जो है हम करंट को फ्लो करवाते हैं. कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन. क्या आप दो ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं. तो देखिए हमें क्या समझ आता है, नीडल जब जो है आई थी, क्या आई थी, जब मैग्नेट पास आई थी नीडल तब भी डिफ्लेक्ट करी थी, जब करंट पास करा है तब भी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है. इसका मतलब है कि जो करंट होता है उसमें भी मैग्नेट का इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट. क्योंकि जब मैग्नेट पास आई थी तब भी नीडल डिफ्लेक्ट करी थी, है ना, और जब करंट पास हुआ तब भी वो नीडल डिफ्लेक्ट करी. इसका मतलब करंट हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट. दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट कॉल हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ऑल्सो वंडर्ड. तो हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जो थे उन्होंने भी ये चीज़ सोची थी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर. तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा था कि जब भी करंट पास कर रहा है वायर में से तो कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है. सो वेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है ना तब वो वायर मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा होता है. इसलिए तो इंसान खींचा चला जाता है. अगर वो ज़्यादा हाई पावर के करंट है, हाई टेंशन के करंट है तो इंसान को खींच सकते हैं वो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर होती है और इंसान भी एक तरीके की बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए उसकी तरफ खींचा चला जाता है अगर बहुत ही हाई पावर का करंट फ्लो हो रहा है तो. दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि जब वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स. इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल मैग्नेट बनाने के लिए भी किया जा सकता है और करते भी हैं. तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट तो देख सकते हैं आप यहाँ पे. फिर आगे बताया गया है, रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड. बहुत ज़्यादा समय तक ये जो आप सर्किट बना रहे हैं इसमें बहुत ही कुछ सेकेंड्स के लिए ही करंट ऑन करना होता है. अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो एक्टिविटी 14.6 देखते हैं. टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और एनिमल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नेल. तो आपको क्या लेना है, दो चीज़ें बताई गई हैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो लेना है टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड एनिमल्ड वायर. तो वायर लेना है, वायर पे प्लास्टिक की कवरिंग होनी चाहिए और एक आपको कील लेनी है. तो एक वायर लेना है जिस पे प्लास्टिक की कवरिंग हो और एक कील लेनी है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, 6 से 10 सेंटीमीटर की. विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल. तो देखिए ये जो है ना आपने क्या करा, ये कील ली, कील के चारों तरफ आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक कील के चारों तरफ वायर लगा दिया. विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल. तो कील के चारों तरफ आप लोगों ने कॉइल लगा दी. कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ कॉइल थ्रू अ स्विच. तो जो फ्री एंड्स थे ना वायर के, वायर आपने लगाया होगा तो यहाँ पे कुछ फ्री एंड्स बचे होंगे. ये देखिए जा रहे हैं, ये देखिए ये फ्री एंड जा रहा है ना. अब इसको आप लोग ये देखिए स्विच जो है इससे कनेक्ट इनको कर देना है आप लोगों ने. तो कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच. तो स्विच की हेल्प से आप लोगों को सेल से इनको जो फ्री एंड्स थे ना वायर के, फ्री एंड्स का मतलब है कोने को कनेक्ट कर देना है. प्लेस सम पिंस ऑन
और नियर द एंड ऑफ द नेल. अब नेल जो था आपका, नेल होता है कील, कील के अराउंड कुछ आपको पिन वगैरह लगा देनी है. नाउ स्विच ऑन द करंट, फिर आपका ये जो सॉकेट बन गया था ना, ये वाला, ये देखिए आपने यहाँ पे कुछ और कीले वगैरह वो लगा दी, पिन नहीं होती है, पिन ऐसे करके और पिन वगैरह शुरू होती है, वो लगा दिया आपने. अब आपने क्या किया, करंट पास करवा दिया. प्लेस सम पिन, ठीक है अब करंट पास हो गया है. नाउ स्विच ऑन द करंट, क्या हुआ, डू द पिन्स क्लेंच टू द टिप ऑफ द नेल. क्या आपने देखा कि ये जो पिन आपने रखी थी ये इससे जाकर के चिपक गई है. ऐसा ही होगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है. तो कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. जो कॉइल बनाई थी ना ये वाली हमने, ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही थी. व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे ना तो ये जो कॉइल थी ये मैग्नेट की तरह जो है वो एक्ट करने लगेगी. व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. और फिर जब इसमें से आप लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्विच कर देंगे तो ये जो कॉइल हमने बनाई थी, कॉइल क्या था, एक कील थी, कील के ऊपर वायर लपेट दिया था तो ये कॉइल बन जाती है. सच कॉइल्स, इस तरीके की जो हम कॉइल्स बनाते हैं ना, उन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बना सकते हैं और ये बहुत ही भारी वजन को उठाने का काम कर सकती है. डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट चैप्टर 13? अरे वो क्रेन क्या होता है ना, कि बहुत भारी भारी सामान को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से उठाते हैं. जो जैसे बहुत भारी भारी लोहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके इस लोहे को चिपका देते हैं, उस पर उठा देते हैं. द एंड ऑफ द क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम द जंक. तो जंक कूड़ा वगैरह है, कूड़ा में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक मटीरियल होगा, मैग्नेटिक मटीरियल होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है कूड़े में से लोहे वगैरह की चीज़ों को निकालने के लिए. डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन टू द आई. आई में जो मैग्नेटिक मटीरियल अगर चला जाता है ना, तो डॉक्टर्स भी बहुत ही लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी सारे खिलौनों में भी इस्तेमाल की जाती है. अब आता है इलेक्ट्रिक बेल. वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल. हम लोग इलेक्ट्रिक बेल से काफ़ी फेमिलियर हैं. बेल घर में होती है. इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट. जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है. किस तरीके से वर्क करती है, फिगर 14.20, ये देखिए जो फिगर दिख रहा है किस तरीके से इसमें वर्क करती है, ये हमें दिखाया गया है. शोज द सॉकेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वूंड ऑन अ आयरन पीस. तो देखिए क्या होता है, ये देखिए कॉइल ऑफ वायर है ना, दो आयरन के पीस आए हैं, इस पर कॉइल जो है लिपटी हुई है, कॉइल लिपटी हुई है. अब इसमें इसके जो एंड निकल रहे हैं, एक एंड, और देखिए एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बैटरी वगैरह लगी हुई है, और फिर ये जुड़ रहे हैं जा करके. तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि जो तो आयरन के टुकड़े हैं, इस पर कॉइल लिपटी हुई है. द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वूंड ऑन अ आयरन पीस. आयरन पीस पे कॉइल लिपटी हुई है. द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करती है. एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड. आयरन का स्ट्रिप है, हैमर एट वन एंड, ये हैमर है, आयरन स्ट्रिप होता है, हैमर इस पर टन 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 बजने लगता है. हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो एक हैमर होता है जो भी कोई चीज़ मारने का काम करता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रख देते हैं. देयर इज़ अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. वैन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इसमें यह है, देखिए देयर इज़ अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. तो आयरन की जो स्ट्रिप होती है ना, आयरन की एक पट्टी जैसी होती है, उस पर कॉन्टैक्ट होता है. जब भी इसमें से करंट पास करता है ना ऐसे करके, तो ये इस पर टन 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 जा करके बचने लगती है. तो यहाँ पर ये आयरन की वो है, इन पर कॉइल लिपटी हुई है, ये यहाँ पर ऐसे करके जुड़े हुए हैं, फिर ये एक यहाँ पे जो है बैटरी लगी हुई है, फिर ये कनेक्शन यहाँ से बन रहा है. जब इसमें करंट फ्लो करता है तो यहाँ से ये चीज़ हिलने लगती है और इस पर बचने लगती है जा करके. इसकी वजह से हम लोगों को आवाज़ सुनाई देती है. इट डज पुन द आयरन स्ट्रिप इन द प्रोसेस. द हैमर एट द एंड. हैमर ये जो है गुलासा, हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड. तो ये देखिए ये हैमर है, ये इस पर स्ट्राइक करता है. हैमर हथौड़ा होता है वैसे, तो हथौड़ा जो है इस गोल से डंडे पे